गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं ज़्यादा सूट नहीं करूँगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है, और यहाँ पे हम सोए थे रात में टेंट लगा के। और भाई रात में ज़ोरदार तो बरसात पड़ी और ज़ोरदार ठंड पड़ी है, बट मेरे को ठंड नहीं लगी थी क्योंकि मेरे पास में स्लीपिंग बैग था। और मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारा था कैंप, और भाई साहब बरसात आप देख ही सकते हो, पानी पूरा। और ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं। और यार यहाँ पे भी देखो 5:30 बजे और उन पहाड़ों में धूप निकल के आ गई है। तो ये कुछ लोकेशन थी जहाँ पे हम रुके थे। और बाकी मेरे हाथ कांप रहे हैं, तो मैं कैमरा बंद करता हूँ, जाते हैं और बाद में वीडियो बनाते हैं। मोबाइल भी चार्ज नहीं, और यहाँ चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है गाइस। ये कुछ मेरा सामान था साथ में, और हाथों की हालत देख रहे हो ठंड में क्या हो गई है। भैया ने थोड़ा हेल्प करवाया टेंट वेंट बांधने में, बाकी टेंट लगा लिया, पैकिंग कर लिया। अब थोड़ा सा पैकिंग रह गया, इसको लेके फिर निकलने की तैयारी करते हैं, चाय वाय पीते हैं। और भाई साहब ठंड से हाथ एकदम बर्फ़ हो गए जाम। भाई हिचाइकिंग करना, ट्रेवल करना और कैंप लगा के ऐसे बर्फीले स्थान में रुकना, मैं कुछ नहीं बोल सकता यार। रात में मतलब इतनी भयंकर बरसात पड़ रही थी, इतनी ज़ोरदार हवा चल रही थी, आपका भाई टिका रहा और कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। देख रहे हो हाथों की हालत भी एकदम ख़राब हो गई। जल्दी से फटाफट से मैं अंदर जाता हूँ, हाथ सीखता हूँ, उसके बाद हिचाइकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अगर आप रुकते हो ना सरचू में, तो आपको बियर, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैगी साथ में लेके आइए और यहाँ पर बाके बना लीजिएगा, ऐसा भी सुविधा है। और यहाँ पर जो बेड लगे हुए हैं, यहाँ पर 150 रुपये लेते हैं। और भाई ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जैसे ही ऊँचा पहुँचेंगे वहाँ पे और भी ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ मेडिसिन वगैरह लेके आइएगा, बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को तो बिल्कुल भी मत लेके आइएगा। जिसका हेल्थ ठीक है उसको लेके आइएगा। मेरे को अब फिर से वापस स्टार्ट हो गया ऑक्सीजन प्रॉब्लम, रात में ठीक था और अब फिर से, और अभी तो और आगे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रॉब्लम आने वाला है। मिलते हैं आपको लिफ्ट लेने के बाद। यहाँ से एक ट्रक जा रहा है, उसी में बैठ के जा रहा हूँ, जो कल मैं आया था उसी के साथ में उसी में जाके जा रहा हूँ। अब नोटिस मत करिएगा ऐसा क्यों है, देख लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट करिए ऐसे ही। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई उस टाइम मैं थोड़ा अच्छे से शूट नहीं कर पाया था क्योंकि सुबह उठते उठते इतना ठंड लग रहा था, टेंट वेंट सब कुछ लगाना था, तो मेरा एकदम दिमाग ख़राब था यार, मूड ऑफ हो जाता है ना ऐसी जगह पे। तो भाई मेरे को वापस लिफ्ट मिल गया, जो कल जिस ट्रक में आया था वही भैया जी बैठे हैं साथ में, उसी ट्रक में वापस लगा जा रहा हूँ। इनका भी रात में स्टॉप था साठ रुपये, ये मेरे पास आए भाई चलो और पैक वैक कर लो। और ठंड तो बहुत ज़ोरदार की थी, और वापस मंजिल की ओर चल पड़े हैं। आपको मैं थोड़ा एक चीज़ दिखाने वाला था, देखिए हम लोगों का रास्ता ये रहा ठीक है ना, और हम लोगों को जाना कहाँ है, वहाँ बैठे। तो जैसे भी वगैरह अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो उधर मतलब इतना घूम के रास्ता है, देख रहे हो, और मॉर्निंग का व्यू ऐसा है, रास्ते ऐसे, मॉर्निंग व्यू देख लीजिए। और हाँ भाई प्लीज़ वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ यार बताइएगा, और जिसने मेरा इससे पहले के वीडियो नहीं देखेगा उन पार्टों को देखेगा, तब इस वीडियो को भी देखेगा, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री को देखेगा। ये वीडियो कब आने वाली है मुझे तो नहीं पता है, और क्या बोले, चलो चलते हैं। हाथ हिल रहा है, धूप भी निकल गई है, पर ठंडा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। और ये भाई साहब हैं मुंबई से, और इन लोगों का भी छोटा सा इस बुलेट है इनका, तो इनमें भी छोटा सा प्रॉब्लम आया हुआ था। तो ये भैया हमारे साथ चल रहे हैं, ये ब्लड से चल रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल वो वाला, अच्छा ये वाला। तो भाई ये गाड़ी है बुलेट, और कहाँ से आ रहे हो आप? सिडनी, सिडनी से आ रहे हैं भाई। कितना किलोमीटर चला लिया आपने ये? अच्छा अच्छा अच्छा, पार्सल किया था चंडीगढ़ से, अच्छा चंडीगढ़ से जा रहे
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the high. अगर रिपोर्ट अगर आपकी पॉजिटिव होती है तो आपको क्वारंटाइन कर देते हैं, और नेगेटिव होती है तो जाने देते हैं। तो मेरी रिपोर्ट आई है, मैं वीडियो देखिए लिए मैं एंट्री करने से पहले ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। सच में यार सुंदर तो है बहुत, पहाड़ों के बीच में छोटा सा, और अभी यहाँ से 4 किलोमीटर और है। ये सिटी में घुसने से पहले की नजारे, चुका हूँ। और ज़्यादा तो मैंने सूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान था, आपको भी पता है कितना चेकिंग कर रहा हूँ। और मैं अभी एक हॉस्टल में रुका हूँ, आप पीछे देख सकते हो इस टाइप का कुछ हॉस्टल है, और इस पर एक फुल वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों को अगर कमेंट करके बताओगे तो। अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ गाइस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं, बाय।